नमस्कार, कैसे हैं आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी सत्ता, पूरी सल्तनत लगभग लगभग नई नवेली मंत्री अतिशी मार्लिना को सौंप दी है। अतिशी मार्लिना मतलब मार्क्स और लेनिन से प्रभावित उसके बाबूजी ने उसका नाम मार्लिना रखा। लेकिन चुनाव में जातिगत समीकरण तय करने के लिए अतिशी ने अपने नाम के आगे सिंह लगाया था। अतिशी अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। भले ये चर्चा रही कि सिसोदिया केजरी का भरोसेमंद है, केजरी के पास सिसोदिया था और सिसोदिया को केजरी ने धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री कहा, लेकिन क्या केजरी को ने बड़ी चालाकी से, बड़ी षड्यंत्र से तमाम पाप सिसोदिया पर गढ़ करके, अपने तमाम अपराध सिसोदिया पर गढ़ करके उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया और अतिशी मार्लिना को पूरी सत्ता थमा दी। अतिशी अब शिक्षा मंत्री के साथ साथ दिल्ली की वित्त मंत्री भी होगी, रेवेन्यू भी अतिशी मार्लिना के पास आएगा। दिल्ली न राज्य है न अर्ध राज्य है, इसीलिए जो माना जाता है चीफ मिनिस्टर के पास सबसे प्रभावशाली पद गृह मंत्रालय, वो भले ही कैलाश गहलोत के पास है, लेकिन जिस राज्य में पुलिस ही नहीं है उसमें गृह मंत्रालय के क्या मायने रखते हैं। तो एक तरह से मानिए कि पूरी सरकार अब अतिशी मार्लिना चलाएगी। तो क्या केजरी अपनी पत्नी से भी ज्यादा अब उसी पे भरोसा करते हैं? बहुत आसानी से केजरी चाहते तो ये सरकार में पूरा चीजें अपनी बीवी को थमा सकते थे, क्योंकि उनकी पत्नी भी IRS ऑफिसर रह चुकी हुई है, लालू की पत्नी की तरह झोला छाप नहीं, लालू की पत्नी की तरह निरक्षर नहीं कि राबरी लिखे। तो क्या अतिशी को केजरी ने बहुत पहले से सिसोदिया के कंधे पर बैताल बनाकर रखा हुआ था और अब उसी अतिशी को केजरी ने पूरी सत्ता, पूरी सल्तनत थमा दी है? क्या केजरी को जेल जाने का पूरा डर सताने लगा है? इसीलिए केजरी अब UCC के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी एकाएक UCC के पक्ष में खड़ी हो गई है। हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करने वाले केजरी ने एकाएक अपना केचुल क्यों बदल लिया? केजरी के सबसे बरबोले सहयोगी संजय सिंह राज्यसभा का मेंबर है। संजय सिंह ने अभी हाल ही में चीख चीख कर कहा था 9 साल बाद UCC क्यों याद आया, ये कैसा पॉलिटिक्स है? 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भांग खाकर क्यों सो रही थी? चुनाव जब 10 महीने रह गए तो उनको UCC की याद क्यों आ रही है? अगर UCC बनाना होता तो 2014 से 19 के बीच में बना लेते, 5 साल इनको मौका मिला। 2019 से लेके 2023 तक 4 साल हो गए, अब तक बना लेते। तो 10 महीने जब चुनाव कराया जाता है तब आपको UCC याद आता है, उसके पहले आप गजनी मोड में रहते हैं। आप गजनी हो जाते हैं, आमिर खान हो जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता UCC PCC। अब उसी संजय सिंह ने चुप्पी लगा ली है और केजरीवाल की पार्टी के तरफ से UCC के पक्ष में बयान दिए जा रहे हैं। क्या केजरीवाल को ये लग गया है कि संसद में हम UCC का विरोध के बदले यदि सपोर्ट करेंगे तो अमित शाह का लठ हमारे ऊपर कम बरसेगा? जो केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ बहुमत अपने पक्ष में जुटाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में अध्यादेश के विरुद्ध में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट करने के लिए पूरा देश घूम रहे थे, उस केजरीवाल को तो UCC पर कांग्रेस के साथ होना चाहिए था। विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां तुष्टिकरण के वोट के लिए UCC के खिलाफ खड़ी है। दिल्ली में हर कोई जानता है कि तुष्टिकरण का वोट लगभग 100% केजरीवाल पाते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने UCC के पक्ष में खुद को क्यों खड़ा कर लिया?
मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बाद क्या केजरी को साफ लग गया है कि भले ही इन दोनों को फंसा करके केजरी ने जेल भेज दिया हो, लेकिन सीएजी रिपोर्ट ने अब उन्हें तबाही और बर्बादी उनकी तय कर दी है। केजरी ऐसे शातिर और धूर्त नेता रहे जिसने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है, इसलिए कलम केजरी की कहीं नहीं चली है। जहां जहां मिनी सिसोदिया की कलम चली, सिसोदिया गिरफ्तार हुआ, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ, दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, दोनों के पास सीबीआई के साथ ईडी के केस हैं, दोनों को जमानत सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं मिल रही है। यह साफ है कि मामला कितना खतरनाक है। जमानत अधिकार होता है, इसके बावजूद भी देश की सबसे बड़ी अदालत से पॉलिटिकल लोगों की जमानत नहीं हो पा रही है, इसका मतलब समझा जा सकता है कि मामला कितना खतरनाक है। तो क्या केजरी के सिसोदिया या सत्येंद्र जैन ने अपने मन से सब कुछ किया? यह हर कोई जानता है कि केजरी का सिसोदिया या सत्येंद्र जैन ने अपने मन से कुछ भी नहीं किया। तो जिस सिसोदिया को धरती का सबसे ईमानदार बता रहे थे केजरी, उस सिसोदिया के से मिलने जेल नहीं गए, सत्येंद्र जैन से मिलने जेल नहीं गए। आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या केजरी ने जानबूझ करके अपने ऊपर जो तलवार लटकनी थी उससे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बलि ले ली? ये सब के सब चूंकि केजरी के बल पर सत्ता हासिल किए हुए थे, तब तक ये चुप रहे। केजरीवाल को लगता था कि वो शातिर हैं, निश्चित रूप से वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, तो चालाकी तो उन्हें आती होगी, कहां साइन करना है कहां नहीं। लेकिन अब की बार शिकंजा सीएजी का मामला फंस गया है। शीश महल के मामले में सीएजी जांच में केजरी का गला फंसता जा रहा है। तो क्या केजरी को लगता है कि यूसीसी में यदि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट करेंगे सदन में तो उनके ऊपर तलवार नहीं लटकेगी? एकाएक केजरी घुटने के बल क्यों खड़े हो गए? केजरी जैसे शातिर नेता को चाहिए था कि यूसीसी पर सरकार के खिलाफ होते, लेकिन क्या केजरी ने जानबूझ करके विपक्षी एका में पिन डाल दिया, विपक्षी एका के गुब्बारे में की हवा निकाल दी? पटना में जब विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, केजरी उससे भाग खड़े हुए और यह मैसेज दिया कि अध्यादेश पर ये जब हमारे साथ खड़े नहीं हैं तो हम विपक्षी एकता के साथ कैसे रह सकते हैं। केजरी ने यह कांड करके दरअसल राहुल गांधी नीतीश कुमार के पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी। तो केजरी क्या जानबूझ करके अमित शाह को खुश कर रहे हैं? क्या केजरी को यह तय लग गया है कि अब उसकी बर्बादी तय है? सत्ता और सरकार तो दूर की बात, वो जल्द जेल जाएगा और इसीलिए आतिशी मार्लिना को पूरी सत्ता सौंप दी है। माना जाता है आतिशी उसकी घरेलू है और आतिशी के आर में केजरी की पत्नी सरकार चलाएगी, क्योंकि किसी पुरुष को केजरी ये सत्ता दे नहीं सकते थे। सबसे भरोसेमंद आतिशी मार्लिना इसीलिए सालों मनीष सिसोदिया के कंधे पर बैताल बनकर रही। अब वित्त मंत्रालय, रेवेन्यू से लेकर शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला विकास कल्याण, टूरिज्म, तमाम मंत्रालय मार्लिना के पास है। यहीं से केजरी सत्ता मार्ली और पत्नी को थमाने की तैयारी कर ली है। तो क्या लालू प्रसाद यादव की तरफ केजरी ने पूरी तैयारी कर ली है? कि तमाम सरकमस्टांशियल एविडेंस ये बताते हैं कि केजरी को साफ लग गया है कि वो जेल जाने वाला है। केजरी को तिहार जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। केजरी के पाप के घड़े फूट चुके हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को इस बात को लेकर के मदद करने के लिए वो यूसीसी में सरकार के साथ खड़ा होना चाह रहा है। बड़ी चालाकी साथ विपक्ष की एकता को सेंध लगाने का क्रेडिट लेना चाह रहा है, हमने अमित शाह जी आपकी मदद की। बड़ी धूर्तता के साथ मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को जेल भेजकर केजरी जेल जाने को स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन सत्ता उसकी पत्नी के हाथ में रहे इसकी पूरी तैयारी कर ली है। वक्त सबका आता है, चाहे कोई कितना भी शातिर हो। अरविंद केजरीवाल भले ही मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाकर अपने आप को जेल जाने से बचाने की लंबी जद्दोजहद की, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाकर, एक आंदोलन चलाकर केजरी ने भले ही सत्ता हासिल कर ली, लेकिन
भ्रष्टाचार के इस सत्ता भ्रष्ट करती है, केजरी ने भी इस बात को साबित कर दिया। तो क्या इतनी आसानी से लालू की तरह उनके अंदर ये गट्स है कि अपनी बीबी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा देंगे और आतिशी मार्लिना सरकार चलाएंगी, या फिर पत्नी उसकी सरकार चलाएगी बैक से और आतिशी मार्लिना एक डमी के रूप में होंगी? क्या दिल्ली में भी इस तरह की सरकार चलेगी? लेकिन इतना तय हो गया है कि आतिशी के हाथ में जिस तरह से पूरी पावर केजरी ने दे दी है, ये संकेत दे रहा है कि डर सबको लगता है, बरबोले केजरी को भी। ये चुप्पी केजरी की इसीलिए है, यूसीसी पर घुटने के बल केजरी का आना इसीलिए है, और विपक्षी एकता की के गुब्बारे में हवा निकालकर मोदी और शाह को यह संदेश देना कि माय बाप हम आपके साथ खड़े हैं। विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।